हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज मैं देखिए एक अलग तरह की डिश बनाऊंगी। उसके लिए मैंने ये धुली मूंग है, धुली मूंग मैंने ली थी आधी कटोरी, और चावल लिए थे मैंने एक कटोरी। चावल भी ये मोटा वाला लिया है मैंने, खिचड़ी का चावल। तो इनको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था, तो ये देखिए अच्छे से फूल गए हैं, बहुत अच्छे से ये फूल गए हैं। और अब मैं इनका पानी निकाल करके इनको बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा एकदम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने डाल दिए हैं और ये अभी पानी गर्म हो गया है। इनको मैं एक विसल देके बंद कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है, तो ये देखिए थोड़ा सा ये दानेदार है। ये देखिए, इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा इसमें सूजी जैसा दाना है। ये देखिए, आपको मेरी उंगली पे दाना दिख रहा होगा, मैं और क्लोजअप दिखाती हूँ। तो ये दानेदार है थोड़ा। और अब हम ये देखिए, केले मैंने बॉईल कर लिए हैं, तो इसमें हम केलों को अच्छे से मैश करके इनको देखिए अच्छे से गला लिए हैं मैंने। केले खूब अच्छे से कच्चे केले गल गए हैं और इनको हम इस बैटर में मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कच्चे केले मैंने 6 लिए थे और 6 के 6 कच्चे केले मैंने इसमें मैश करके अच्छे से बॉईल कर लिए थे, और इसमें मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। खूब अच्छे से इसको हम इसमें मिला देंगे। ये बहुत ही बढ़िया बनता है, आप ट्राई करिएगा, बनाइएगा, पर आपको ये पूरी रेसिपी देखनी पड़ेगी। आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके ऐसे मत देखिएगा बीच बीच में से, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, फिर उनके कुछ वो चीज़ें गलत हो जाती हैं तो उनको फिर समझ नहीं आता। तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि आप इसको पूरा देखिएगा। इस तरह से मैं इसको पूरे को मिक्स कर दूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप कोकोनट का लच्छा और ये कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते की करीब 15-20 पत्तियाँ हैं, और इसको हम इस पर ड्राई होने तक बिल्कुल भून लेंगे। एकदम ये गोल्डन कलर का हो जाएगा कोकोनट लच्छा, और जो कड़ी पत्ते की पत्तियाँ हैं ये सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल करारा करारा हो जाएगा। इस तरह से इसको मैं अभी भून लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये गोल्डन कलर का हो गया है, और इसको मैं ठंडा करके थोड़ा सा पीस लूँगी। बहुत महीन नहीं करना है इसको, हमें इसको भी दरदरा दरदरा पीसना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें अब तकरीबन 1/2 कप दही डाल रही हूँ। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, दही आप बहुत खट्टा नहीं लीजिए, हल्का सा खट्टा आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत खट्टा दही की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। इसमें इसलिए मैं दही डाल रही हूँ जिसमें एक फर्मेंटेशन का इसमें टेस्ट आएगा, खट्टापन हल्का सा आएगा। उसके लिए अगर आपको दही नहीं डालना है तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं, 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं। अब मैं इस दही को अच्छे से इसमें पूरे में मिक्स कर लूँगी इस तरह से। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सूजी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने बस 1/4 कप सूजी डाली है, ज़्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि इसमें दाल चावल है। सूजी मैंने बस इसमें, ये देखिए इसमें ना इसके केले के थोड़े आपको रेशे आएंगे, क्योंकि कच्चे केले के छिलके में रेशे होते हैं, तो आप उन रेशों को निकाल दीजिएगा अगर आपको इसमें मिलते हैं। मुझे मैंने निकाल दिए थे जब इसका छिलका छीला था, लेकिन फिर भी एक आध इसमें अभी मुझे दिख रहा है रेशा, तो मैं उसको हाथ के हाथ निकाल देती हूँ। ये रेशे क्या होते हैं, कभी कभी खाने में फंसते हैं, तो कच्चे केले के छिलके में बहुत रेशा होता है। इसमें इतना फाइबर होता है कि बहुत ही फ़ायदा करता है, इसीलिए आज मैं आपको ये कच्चे केले के डिश दिखा रही हूँ। इसमें दाल चावल है, कच्चा केला है, कंप्लीट फूड है, बढ़िया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये टमाटर 1/2 कप, बहुत बारीक नहीं काटे हैं, लेकिन फिर भी मैंने बारीक काटे हैं। और अब मैं इसमें डाल दूंगी इस टेस्ट के हिसाब से नमक। नमक आप टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी पसंद है।
नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, नमक टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और देखिए ये मैं अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसको सूजी फूलने के लिए 10 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इसको 7 से 8 मिनट हो गए हैं और अभी सूजी फूल गई होगी। तो मैंने आपको 10 मिनट के लिए बोला था, मैं 2 मिनट पहले इसलिए आई हूँ कि अभी सूजी इसमें फूल रही है। अभी 2 मिनट मुझे कुछ आपको दिखाते हुए हो जाएगा। ये देखिए मैंने कोकोनट और कढ़ी पत्ता मैंने भून लिया था और उसको मैंने दरदरा पीस लिया है, बहुत पतला नहीं पीसना है, और उसको भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। तो थोड़ा ये भी मुलायम हो जाएगा 2 मिनट में, इसलिए मैंने आपको बोला था कि मैं 2 मिनट, अभी मेरे को कुछ आपको दिखाना है तो इसमें 2 मिनट हो जाएंगे। तो आप भी ये टाइम नोट करिए और इसी हिसाब से करिएगा। तो देखिए इस तरह से मैं इसको पूरे को मिक्स कर दिया है मैंने। और अब मैं थोड़ा सा मटेरियल अपना, ये बैटर अलग निकाल लूँगी जितना अभी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये करीब मैं 5 से 6 कलछी अलग निकाल लूँगी इस तरह से, बस इतना मैं अलग निकालूँगी जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, और बाकी मैं ये बाद में बना लूँगी। इसको मैं अभी इतना ही रख रही हूँ। और अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने बन लिए हैं। ये देखिए मिल्क बंस हैं, जो स्वीट बंस होते हैं। इसको मैं बीच में से हाफ कर दूँगी, पूरा हाफ काट दूँगी। ये मैंने स्वीट बन इसलिए लिए हैं कि इस डिश में थोड़ा सा स्वीट टेस्ट आएगा तो आपको बहुत ही लाजवाब लगेगा ये खाने में। कि आप इसमें हरी मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हैं चटपटा करने के लिए। और ये देखिए इसको मैंने इस तरह से हाफ़ कर लिया है बंस को, और मैंने पैन को सिम पर गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं इस मटेरियल में हम देखेंगे कि ये बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बहुत पतला नहीं होना चाहिए। ये अभी मेरी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, ऐसी है कि हम इसको अगर लगाएंगे तो ये बहेगा नहीं, और क्या है कि इतना थिक भी नहीं है कि ये पकेगा नहीं, तो ये हो जाएगा। अभी हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून खाने वाला सोडा। 1/2 टीस्पून से मैं कम डाल रही हूँ, अगर पूरे मटेरियल में डालती तब मैं 1/2 टीस्पून डालती। अभी मैं डालूँगी खाली 1/4 टीस्पून, 1/4 चम्मच खाने वाला सोडा। ये देखिए ये बस 1/4 चम्मच मैंने, आप ज़्यादा मत डालिएगा नहीं तो उससे खारापन आने लगता है डिश में। इसको खाली, क्योंकि मैंने फर्मेंट नहीं किया है, खाली रात में भिगोए थे मैंने दाल चावल ओवरनाइट, तो ये है कि इसको मैंने देखिए इस तरह से कर दिया है। और अब मैं इसकी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है, आप चाहे तो देसी घी डाल सकते हैं। मैं देसी घी यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं कनोला ऑयल यूज़ करती हूँ जिसमें कोई भी स्मेल नहीं है, कोई भी इसका अपना टेस्ट नहीं है और ज़ीरो बर्निंग है। तो सिम पर है, बहुत तेज नहीं करा है मैंने। और देखिए इस बन के ऊपर मैं ये पूरा मटेरियल इस तरह से रख दूँगी, ऐसे इस तरह से। फ्लेम को हमें अभी सिम ही रखना है, बहुत तेज हम नहीं करेंगे। और इस तरह से रख करके मैं सारे बन इस पैन में इस तरह से जमा दूंगी, इस तरह से मैं सारे पैन ये देखिए रख दूंगी। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से मटेरियल उतना ही रखिएगा कि जितना आपका ये बन होल्ड कर सकता है। बहुत ज़्यादा भी मत भरिएगा और बहुत कम भी मत रखिएगा, है ना। ये देखिए ये बहेगा कहीं भी नहीं। ये देखिए इसमें खाली अभी मेरे 3 ही बन आएंगे मेरे ख्याल से, 4 तो नहीं आ सकते। तो मैं उतने ही बन इसमें रखूंगी जितने इसमें इजीली आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड, इसमें 3 ही बन आए हैं और इसको मैं अब ढक करके बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम के ऊपर, लो के ऊपर मैं धीरे धीरे तब तक पकाऊंगी जब तक ये ऊपर से सिक पक नहीं जाएगा, और हम इसको फिर टूथ पिक से चेक करेंगे ये अंदर से पका है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़े थोड़ा सिक गया है और अब बन नीचे से सिक गया है। इसको मैं अब पलट दूंगी इस तरह। अब हम इसको यहाँ से दूसरी तरफ से पलट के सेक लेंगे और सिंपल ही सेकेंगे हम इसको, बिल्कुल भी तेज फ्लेम करके नहीं से। देखिए बन करारा हो गया है,
इसी तरह मैं अपने ये भी पलट कर सेक लूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पलट दिए हैं दूसरी तरफ से सिकने के लिए और इसको हम सिम पर पकाएंगे। हमें थोड़ा सा जैसे ही वो सिका था मैंने इसको पलट दिया है। देखिए कितने क्रिस्पी बन हो गए हैं एक साइड से। बहुत ही टेस्टी ये डिश बनती है। अब हम सिम पर इसको पकने देंगे जब तक कि पकना जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये 5-7 मिनट हुए हैं, 6 मिनट, और ये देखिए दबाने से ना ये निकल नहीं रहा, इसका मतलब ये अंदर से सिक गए। और अब हम इनको पलट देंगे सबको। ये देखिए बड़े इजीली ये पूरे सरक जाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि स्टिक होते हैं। और देखिए यहाँ से भी कितने क्रिस्प हैं, और अगर ये कहीं से चिपक गए ये कितने सुंदर बने, है ना। अभी मैंने ये, क्योंकि मेरे पैन में जगह नहीं थी तो मैंने अभी ये 3 ही बनाए हैं। इसके बाद में जो अभी बन का एक पीस बचा हुआ है ये देखिए पूरे बढ़िया से सिक। और अब मैं इसको प्लेट में निकालूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं प्लेट में इस तरह से निकाल लेती हूँ। इस तरह से मैंने निकाल लिए हैं और अभी ये सिंपल ही है, एक बन का ये पीस बचा है, इसको भी मैं इसमें भी सेकने के लिए रख दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर अब हम ये थोड़ा सा सांभर मसाला इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। और आप इसको चटनी, सॉस किसी के साथ भी खा सकते हैं। इसके ऊपर आप सांभर मसाला ऐसे स्प्रिंकल करके ये बहुत ही चटपटा हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कर दिया है और ये सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए फ्रेंड, ये सॉस रखी है मैंने इसके साथ। आप इसके साथ नारियल की चटनी भी रखी है। मैंने नारियल की चटनी इसके साथ इसलिए नहीं रखी है क्योंकि मैंने इसके अंदर भी नारियल डाला है तो बहुत ज़्यादा वो नारियल का टेस्ट लगता है। इसके साथ आप मूंगफली टमाटर की चटनी भी रख सकते हैं। मेरे पिछले वीडियोज़ में जाकर आप ये चटनियाँ देख सकते हैं। अनूठी में विज़िट करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं आशा करती हूँ आपको आज का भी मेरा ये स्नैक बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा स्वीट है, स्पाइसी है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। तो अनूठी में आते रहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए। आते रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए और मुझसे गुफ्तगू बातें करते रहिए। हम ऐसे ही एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।